नमस्कार, मैं सुशील पाल और एमटीवी इंडिया के एशिया एक्सीलेंस अवार्ड 2023 के दूसरे चरण में आपका स्वागत करता हूं। हम इस मंच से देश भर की उन प्रतिभाओं को सम्मानित कर रहे हैं जो देश में, समाज में, अपने अपने क्षेत्रों में अभूतपूर्व कार्य कर रहे हैं, जिनके काम से देश को और उस क्षेत्र को एक अलग पहचान मिल रही है। ऐसे लोगों को एमटीवी इंडिया ने तलाशा है, जिन्होंने खुद को तराशते हुए भारत का नाम रोशन किया है। एशिया एक्सीलेंस अवार्ड 2023 के इस मंच पर हम आज कुछ ऐसे प्रतिभावान लोगों का सम्मान करने जा रहे हैं, जिन्होंने अपनी प्रतिभा और काम के जरिए भारत का नाम दुनिया में रोशन किया है और समाज को जागरूक कर भारत को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। तो चलिए घोषणा करते हैं एशिया एक्सीलेंस अवार्ड 2023 के उन नामों की, जिन्हें आज ये सम्मान दिया जा रहा है। मुंबई के ज्वाला सिंह को एशिया एक्सीलेंस अवार्ड एक्सीलेंट स्पोर्ट मेंटर ऑफ द ईयर 2023 के खिताब से सम्मानित किया जाता है। ज्वाला सिंह ज्वाला स्पोर्ट्स फाउंडेशन और मुंबई क्रिकेट क्लब के फाउंडर और डायरेक्टर हैं। मुंबई क्रिकेट क्लब भारत की शीर्ष क्रिकेट अकादमियों में से एक है। मुंबई क्रिकेट क्लब की शुरुआत वर्ष 2000 में नेपाल क्रिकेट एसोसिएशन के निमंत्रण से हुई थी। भारतीय क्रिकेट टीम के पृथ्वी यशस्वी जायसवाल भारतीय अंडर 19 में इसी क्लब से गए हैं। रणजी के वर्तमान सदस्य और तमाम क्रिकेटर जो प्रथम श्रेणी क्रिकेट खेल रहे हैं, इस क्लब का हिस्सा रह चुके हैं। अकादमी में भारतीय क्रिकेटर वसीम जाफर और श्रीलंकाई दिग्गज तेज गेंदबाज चामिंडा वास मुंबई क्रिकेट क्लब को कोचिंग टीम का हिस्सा रहे हैं। अमरावती महाराष्ट्र के इंजीनियर संजय तुलसीराम जी चापके को एशिया एक्सीलेंस अवार्ड सोशल आइकन ऑफ द ईयर 2023 के खिताब से सम्मानित किया जाता है। इंजीनियर संजय अमरावती के प्रसिद्ध इंजीनियर हैं और पूजा कंस्ट्रक्शन के संस्थापक हैं। क्षेत्र में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में आपका नाम काफी प्रसिद्ध है। पिछले 25 वर्षों से सामाजिक कार्यों में भी इनकी भूमिका अहम रही है। पुणे के डॉक्टर दीपेश शर्मा को एशिया एक्सीलेंस अवार्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर मेडलिस्ट 2023 के खिताब से सम्मानित किया जाता है। डॉक्टर दीपेश एक पेशेवर ज्योतिष विज्ञान और मनोचिकित्सक हैं। पिछले 15 वर्षों से आपने ज्योतिष अभ्यास किया और अपने क्षेत्र में एक विश्व रिकॉर्ड हासिल किया। आप मनोचिकित्सक और ज्योतिष में पीएचडी धारक हैं। पुणे की डॉक्टर प्रजक्ता मेडकर को एशिया एक्सीलेंस अवार्ड वुमेन एजुकेटर 2023 के खिताब से सम्मानित किया जाता है। प्रजक्ता विभिन्न डीएड और बीएड कॉलेज में शिक्षा का 12 वर्षों का अनुभव रखती हैं। सहायक प्रोफेसर डॉक्टर प्रजक्ता सत्य साई ट्रस्ट के सहयोग से 11वीं और 12वीं के कक्षा के बच्चों के लिए शैक्षणिक सामग्री तैयार करने में अपना योगदान देती है। डॉक्टर प्रजक्ता राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पत्रिकाओं की मशहूर लेखिका है। बेंगलोर की लक्ष्मी स्वरूपा ढाल को एशिया एक्सीलेंस अवार्ड विमेन बिजनेस एक्सपर्ट 2023 के खिताब से सम्मानित किया जाता है। लक्ष्मी स्वरूपा बीटेकधारी हैं और वर्तमान में एक एमएनसी में लीड कॉम्प्लायंस एक्सपर्ट के रूप में कार्य करती हैं। इसके साथ ही NLSIU से बिजनेस लॉ में मास्टर्स की पढ़ाई करते हुए अपने पेशे से परे साहित्य, नृत्य और संगीत का भी अभ्यास करती रही हैं। महाराष्ट्र के डॉक्टर प्रतीक एन गायकवाड़ को एशिया एक्सीलेंस अवार्ड एशियाज एक्सीलेंट यंग रिसर्चर्स 2023 के खिताब से सम्मानित किया जाता है। डॉक्टर प्रतीक कोल्हापुर के एक जाने माने शोधकर्ता हैं। आप 2017 में पीएचडी पूरी कर पिछले 8 साल से रसायन विज्ञान पढ़ाने के लिए प्रमुख और सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर प्रतीक इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक के लेखक हैं, जिसके लिए 2 राष्ट्रीय पुरस्कार आपको प्राप्त हुए हैं। आंध्र प्रदेश के वेम्पाड़ श्रीनिवास रेड्डी को एशिया एक्सीलेंस अवार्ड एक्सीलेंट सोशल एक्टिविस्ट 2023 के खिताब से सम्मानित किया जाता है।
वेम्पार श्रीनिवास रेड्डी 15 साल से समाज सेवा कर रहे हैं। आपका मकसद गरीब लोगों की मदद करना। आप कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, रक्तदान, नेत्र शिविर और जनजातीय क्षेत्र के लोगों के लिए राशन, चिकित्सा और स्वच्छता पैड के लिए आप जागरूकता कार्यक्रम पर कार्य कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के विनोद मलिक को एशिया एक्सीलेंस अवार्ड एशियाज एक्सीलेंट आर्टिस्ट 2023 के खिताब से सम्मानित किया जाता है। विनोद मलिक एक भारतीय कलाकार, चित्रकार, प्रिंट मेकर और एनिमेटर है। वर्तमान में आप काचरापाड़ा पश्चिम बंगाल में रहते हैं। हाल ही में विनोद को मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इसकी उत्कृष्ट कलाकृति के लिए मानद डॉक्टरेट पुरस्कार प्राप्त हुआ है। गुजरात की वीरा ग्रुप को एशिया एक्सलेंस अवार्ड बेस्ट सोशल रिफॉर्मिस्ट एनजीओ ऑफ द ईयर 2023 के खिताब से सम्मानित किया जाता है। वीरा ग्रुप में 9 सदस्य हैं। आप अपने सभी सदस्यों के साथ मिलकर पक्षियों को बचाने की मुहिम पर कार्य कर रहे हैं। वीरा ग्रुप दोबारा उपयोग में न आने वाली चीजों को इकट्ठा करके चिड़ियों का घोंसला बनाते हैं और अब तक आपने अपने आसपास से 26,500 पक्षियों के लिए घोंसले बनाए हैं। वीरा ग्रुप के इस काम के लिए उन्हें कई अवार्ड भी मिल चुके हैं। उज्जैन की गुलनाज खान को एशिया एक्सीलेंस अवार्ड एक्सीलेंट एजुकेशनिस्ट 2023 के खिताब से सम्मानित किया जाता है। गुलनाज खान ने अपने करियर की शुरुआत स्कूल में टीचिंग से की, जहां बाद में आपको मैनेजमेंट और लीडरशिप स्किल एकेडमिक इंचार्ज बना दिया गया। आप एक सफल एंटरप्रेन्योर, सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। एप्टीट्यूड ट्रेनिंग सेंटर के नाम से आपका अपना NCS रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूट है, जिसकी उज्जैन शहर में 2 ब्रांच है। बेंगलोर की संध्या पोद्दार को एशिया एक्सीलेंस अवार्ड मिसेस इंडिया विंग्स ऑफ द ड्रीम्स 2023 के खिताब से सम्मानित किया जाता है। संध्या एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत शिक्षक और कथक डांसर है। आपने बेंगलोर के विभिन्न स्कूलों में काम किया है। संध्या नौकरी के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी रुचि रखती है। इटावा के अब्दुल जब्बार राइन को एशिया एक्सीलेंस अवार्ड यूथ लीडर ऑफ द ईयर 2023 के खिताब से सम्मानित किया जाता है। अब्दुल जब्बार राइन उत्तर प्रदेश के जनपद इटावा में एक मध्यम परिवार से आते हैं और पिछले 15 वर्षों से समाज सेवा कर रहे हैं। आप इस समय सामाजिक उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और अब्दुल कलाम वेलफेयर सोसाइटी के प्रबंधक भी हैं। तमिलनाडु की कविता आदल रसन को एशिया एक्सीलेंस अवार्ड एक्सीलेंट विमेन सोशल एक्टिविस्ट 2023 के खिताब से सम्मानित किया जाता है। कविता एवरग्रीन चैरिटेबल एंड सोशल ट्रस्ट की संस्थापक है, जो गरीब बच्चों, विकलांग लोगों, किसानों, सड़क दुर्घटनाओं में गिरे लोगों को मदद करने के कार्य पर केंद्रित है। कविता सामाजिक क्षेत्र में 15 वर्षों से अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं।